Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में. और अब लोकल मॉर्निंग में वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली डेली अपडेट्स का. तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली NCR की खास खबरों की ओर. वालों की मनमानी, मार रहे हैं वकीलों का हक. जी हां, आज एक बार फिर से एक पुलिस इंस्पेक्टर को करकटुमा कोर्ट में उनकी मनमानी करते हुए पकड़ा गया. आपको बता दें मुहद्दे का नाम गजेंद्र मलिक है जो कि थाना आनंद विहार दिल्ली से हैं और करकटुमा कोर्ट में प्री बार्गेनिंग की एप्लीकेशन टाइप करवाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए. गौर देने वाली बात यह है कि एक बार फिर से करकटुमा के होशियार एडवोकेट विकास आहूजा द्वारा इस मामले को समझदारी और बड़े ही अच्छे से सुलझाया गया. अब इस मुहिम की शुरुआत हो चुकी है और अब पुलिस वाले जो कि वकीलों का हक मारते हुए साफ साफ रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं, इसके बारे में अब पुलिस कमिश्नर क्या कहेंगे? हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी इस मामले को संज्ञान में अवश्य लें. DTC बसों में चिपके दिल्ली सरकार के विज्ञापन बने परेशानी. आपको बता दें इसकी वजह से परेशानी झेलने को मिल रही है. जानकारों का कहना है कि DTC बस के पीछे चिपके विज्ञापन की वजह से जाली पूरी तरह बंद नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इंजन गर्म हो जाता है और आग पकड़ लेता है. दिल्ली सरकार को इस बारे में सोचने की जरूरत है. पत्रकार करण खुराना की रिपोर्ट. मादीपुर से लेकर शिवाजी पार्क तक सड़क के ऊपर ही झुग्गियां. कुछ दिनों में ही 500 से 600 झुग्गियां यहां बन गई है. पंजाबी बाग थाना भी इसके सामने ही है. दिल्ली के PWD मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जैन जी द्वारा PWD के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके सड़क पर ही झुग्गी झोपड़ी बसाई जा रही है. सारी जानकारी PWD विभाग और सत्येंद्र जैन की जानकारी में है. यदि आप लोग नहीं चाहते कि सड़क पर झुग्गी बसाई जाए तथा पंजाबी बाग शिवाजी पार्क का एरिया दूसरा शाहीन बाग बन जाए, कोई भी अधिकारी और विभाग इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा है. पत्रकार करण खुराना की रिपोर्ट. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत के जरिए दे रहा है चालान माफ करने का मौका. अगर आपके पास गाड़ी है और दिल्ली में रहते हैं और आपकी गाड़ी का चालान कट गया है, तो इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बेहतरीन विकल्प लेकर आई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है, जहां आप अपने चालान का निपटारा कम समय में कर सकते हैं. यही नहीं, आप अपने चालान का निपटारा इस लोक अदालत में बिना पैसे दिए भी कर सकते हैं. पत्रकार मुनीश शर्मा की रिपोर्ट. शराब के शौकीनों के बल्ले बल्ले, अब घर बैठे मिलेगी शराब. शराब के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल अब राजधानी दिल्ली में जल्द ही शराब की होम डिलीवरी शुरू होगी. दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि सरकार के एक समूह GOM ने इसकी सिफारिश की है. GOM ने कहा है कि अब कि जब तक बाजार स्वस्थ रूप से चल रहा है, तब तक शराब पर मिल रही छूट पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए. पत्रकार मुनीश शर्मा की रिपोर्ट. बड़ी लापरवाही. शहरी स्थानीय निकाय का पोर्टल एक माह से बंद. ऑनलाइन जमा नहीं हो पा रहे प्रॉपर्टी सीवर पानी टैक्स. हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय का पोर्टल बंद होने से शहरवासियों को परेशानी बढ़ गई है. लोग ना तो प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर पा रहे हैं और ना ही सीवर पानी का शुल्क. बड़ी संख्या में लोग नगर निगम आकर वापस लौटने को मजबूर है. यह समस्या करीब एक महीने से बनी पड़ी है. हैरान करने वाली बात यह है कि निगम अधिकारियों को इसकी जानकारी तक नहीं है. लोगों का आरोप है कि वह निगम में अपने बिल जमा करने के लिए आ रहे हैं, तो यहां पर कर्मचारी कई चक्कर लगवा रहे हैं. दिल्ली में एयर इंडिया की छवि बिगाड़ने पर फर्श पर लेट गई महिला, वीडियो वायरल होने पर दी सफाई. दिल्ली IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फर्श पर बेसुध पड़ी महिला, यात्री को मदद न मिलने के मामले में एयर इंडिया ने सफाई दी है. एयर इंडिया ने कहा है कि हमारी छवि खराब करने के लिए महिला जमीन पर लेट गई. उन्होंने कहा कि महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस मामले की पुष्टि किए बिना मीडिया ने इसे प्रकाशित कर दिया है. मेरे खिलाफ 1000 मामले भी हों, केजरीवाल से सवाल पूछता रहूंगा, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा. भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने बुधवार को कहा कि पंजाब पुलिस ने उन्हें आतंकी की तरह गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्होंने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले, ड्रग माफिया और राज्य के खालिस्तानी अलगावादियों के बारे में सवाल पूछे थे. बग्गा ने कहा कि वह पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के वादे के बारे में आप संयोजक केजरीवाल से सवाल पूछते रहेंगे.
दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, केजरीवाल सरकार ने दी है नए फ्लाईओवर की मंजूरी। दिल्ली के लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने और बेहतर आवागमन प्रदान करने के लिए केजरीवाल सरकार दो फ्लाईओवर का निर्माण करने जा रही है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में हुई एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की बैठक में कॉरिडोर डेवलपमेंट और फ्लाईओवर निर्माण योजना के तहत 724.36 करोड़ रुपए की लागत से दो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 352.32 करोड़ रुपए की लागत से पंजाबी बाग फ्लाईओवर और राजा गार्डन फ्लाईओवर के बीच कॉरिडोर डेवलपमेंट व स्ट्रीट नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट व 372.4 करोड़ रुपए लागत से आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर तक फ्लाईओवर निर्माण की परियोजना शामिल है। भीषण गर्मी से मिलने वाली है राहत, इस दिन होगी बारिश, आईएमडी की भविष्यवाणी। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में भयानक गर्मी का कहर जारी है। राजस्थान और विदर्भ में तो कई जगहों पर पारा इस महीने 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 16 मई के बाद बारिश की संभावना जताई जा रही है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन The Mehak Kapoor Show, coverage you can count on.